भागलपुर जिले के नौगछिया के सहोरा के वीर सपूत आर्मी जवान शहीद सुमन यादव पिता स्वर्गीय रामवृष्टि यादव माता दुलारी देवी उनके बेटे शहीद का शव तिरंगा से निपटा उनके पैतृक गांव सहरा पहुंचा। शहीद सुमन यादव की झलक पाने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी हर कोई उनके शहादत की खबर पाकर स्तब्ध रह गया शहीदों के सम्मान में भारत माता की जय वीर सपूत अमर रहे न आखों ऐसी नारा गूंजता रहा शहीद का पार्थिव शरीर घर पहुँचने के बाद उनके परिजन बदवास हो गए उनका रो रो बुरा हाल है ग्रामीण व क्षेत्रवासियों की भीड़ देखकर लगता था कि शहीद सुमन की शहादत पर हर कोई गर्व कर रहा है बीते दिनों 21 जुलाई 2024 को हिमाचल प्रदेश की रोपा पहाड़ी क्षेत्र में आतंकियों से लोहा लेने के दौरान वो वीर गति को प्राप्त हुए शहीद के पार्थिव शरीर को पूरे गाँव में भ्रमण के बाद राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गयी वही श्री सदगुरु साईनाथ सेवा समिति के कार्यकारी अध्यक्ष शुभम यादव ने कहा की शहीद सुमन की शहादत आरोप गर्व है पूर्व में भी वीर सपूतों की बलिदानी ऐसी यहाँ की मिट्टी सुगंधित रही है इस दौरान नौगछिया एस पून झा डी ओम प्रकाश रंगरा बीडीओ अनुभारती सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे वही शहीद के भाई पवन यादव सुजीत यादव रमन यादव ने संयुक्त रूप ऐसी अग्नि प्रदान किया और पंचतत्व में शहीद का पार्थिव शरीर विलीन हो गया मुखिया प्रतिनिधि दिवाकर सिंह छविलाल यादव विकास यादव अशोक यादव सहित हजारों की संख्या में शहीद सुमन यादव को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के लिए लोग मौजूद रहे बांका के सहायक थाना नवादा बाजार क्षेत्र के सनहौला जगदीशपुर सड़क मार्ग पर कोतवाली गांव स्थित बांका राजकीय पॉलिटेक्निक के सामने गुरुवार को करीब साढ़े ग्यारह बजे दिन में पॉलिटेक्निक संस्थान की ओर से पैदल जा रहे छात्र को सीमेंट लदी ट्रैक्टर ट्रॉली ने कुचल दिया जिससे छात्र बुरी तरह ऐसी घायल हो गया घायल अवस्था में इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जगदीशपुर ले जाने के दौरान रास्ते में ही छात्र की मौत हो गयी घटना ऐसी गुस्साए ग्रामीणों व छात्रों ने ट्रैक्टर को आग लगाने का प्रयास किया एन वक्त पर पुलिस के पहुंच जाने से प्रयास असफल हो गया घटना के बाद ट्रैक्टर मालिक सह चालक अशोक यादव वाहन को छोड़कर फरार हो गया है मिली जानकारी के अनुसार मृतक छात्र सिविल अभियंत्रण ब्रांच के पाँचवे सेमेस्टर का छात्र था और कोतवाली में भाड़े के मकान में रहकर पढ़ाई करता था मृतक छात्र की पहचान धोरैया थाना क्षेत्र के लाहौरिया साधपुर गाँव निवासी हरि किशोर पंडित के सुपुत्र मनीष कुमार के रूप में हुई है छात्र कोतवाली गाँव में भाड़े के मकान में रहकर पढ़ाई करता था था गुरुवार की सुबह साढ़े ग्यारह बजे वो अपने कमरे से निकलकर पढ़ने के लिए संस्थान की ओर पैदल जा रहा था तभी टेकानी गुड्स यार्ड से सीमेंट लेकर सनहौला की ओर जा रहे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने संस्थान के सामने ही छात्र को कुचल दिया इस घटना में छात्र बुरी तरह ऐसी घायल हो गया स्थानीय लोगों व संस्थान प्रबंधन के द्वारा छात्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जगदीशपुर ले जाया जा रहा था लेकिन उसके पूर्व पूर्वी छात्र की मौत हो गयी वही छात्र की मौत की खबर सुनकर संस्थान के छात्र उग्र हो गए और सनहोला जगदीशपुर सड़क मार्ग को संस्थान के सामने पूरी तरह बाधित कर दिया वहीं छात्र उच्च अधिकारियों को घटना स्थल आरोप बुलाने की मांग पर अड़े रहे थाना अध्यक्ष पंकज किशोर ने कहा कि छात्रों एवं परिजनों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है लेकिन छात्र उच्च अधिकारियों को बुलाने की मांग आरोप अड़े रहे बीस लाख मुआवजे की मांग के साथ परिवार में एक सरकारी नौकरी की मांग आरोप छात्र अड़े रहे साथ ही ट्रैक्टर उचित कार्रवाई की मांग भी छात्र कर रहे हैं उन लोगों का कहना है की कॉलेज टाइम दस बजे ऐसी पाँच बजे तक इस मार्ग आरोप भारत वाहन को रोका जाए पुलिस गश्ती चौबीस घंटा हो और भविष्य में ऐसी घटना न हो इसके लिए कॉलेज सड़क आरोप ब्रेकर लगाया जाए अभी विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला चल रहा है आज सावन माह के चौथे दिन भी लाखों काबड़ियों ने भागलपुर की सुल्तानगंज स्थित अजगेवीनाथ धाम के उत्तर वाहन गंगा से जल भरकर वैद्यनाथ धाम देवघर के लिए पैदल हुआ वाहन से बोलबम के जयकारों के साथ रवाना हो रहे हैं आज के कांबड़ियों का मुख्य आकर्षण केंद्र रहा विशाल हनुमान कावर हावड़ा के दर्जनों कावरियों का जत्था एक क्विंटल चालीस किलो का विशाल हनुमान कांवर लिए बोलबम के जयकारों के साथ अजगेवीनाथ धाम ऐसी वैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हुए वही के बम कहते हैं कि बाबा भोलेनाथ हम, लो हम लोग की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं इसलिए हर वर्ष विभिन्न तरह के आकर्षक कावर लेकर हम लोग भोलेनाथ को मनाने जाते हैं उद्देश्य क्या है बाबा के पास जाना है हम लोग जा रहे हैं यही हमारा उद्देश्य तो कितना वजन है इस कावर का दो सौ किलो लगभग दो सौ किलो लगभग दो सौ किलो का है हर वर्ष लेके जाते हैं कितने लोग हैं आप लोग जत्था है आप लोग असम से जो चल रहे हैं कैसा महसूस कर अच्छा रहे हैं रहा है। जो इस बार नया बना है, है। पैदेन दिप रहा है ना। भागलपुर जिला अंतर्गत सनहौला थाना क्षेत्र की सनहौला मुख्य मार्ग मुर्गिया चक पेट्रोल पंप के निकट अचानक एक अट्ठारह चक्का वाला हाईवा जलने लगा जिसके बाद ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई कि आखिर क्या हुआ सूत्रों के अनुसार पता चला कि एक अट्ठारह चक्का वाली हाईवा घोघा की तरफ से आ रही थी तभी उसकी जोरदार टक्कर एक ट्रैक्टर ऐसी हो गयी जिसके बाद हाईवा अनियंत्रित होकर एक ग्यारह हजार पावर के तार के पोल ऐसी जा टकराई और जोरदार टक्कर ऐसी हाईवा में भीषण आग लग गयी जिसके बाद हाईवा धू धू कर जलने लगा मौके से दोनों वाहन का चालक फरार हो गया हालांकि सूचना पर अग्निशमन विभाग का वाहन भी पहुंचा, लेकिन तब तक हाईवा का, का काम तमाम हो चुका था हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है लेकिन एक बहुत बड़ा हादसा होते होते टल गया भागलपुर जिला अंतर्गत बबरगंज थाना क्षेत्र के सूर्यलोक कॉलोनी में सड़क निर्माण कार्य चल रहा था तभी आक्रोशित ग्रामीणों ने बवाल मचाना शुरू कर दिया यहां तक कि सड़क निर्माण कार्य को रोककर सड़क जाम कर दिया गया ग्रामीणों का कहना है कि हम लोग कोयली सड़क किनारे कुतुबगंज निवासी है सड़क का टेंडर बबरगंज से कोयली सड़क बनाने का हुआ है लेकिन पार्षद की मिले भगत ऐसी सुर लोक कॉलोनी का सड़क निर्माण कराया जा रहा है जबकि उक्त सड़क पूर्व में भी अच्छी स्थिति में बनी हुई है ग्रामीणों ने यह भी कहा कि हम लोगों को आने जाने में काफी परेशानी होती है बच्चे स्कूल नहीं जा पाते एम्बुलेंस भी हमारे मोहल्ले में नहीं आ सकती भूखे को अनाज देने के बदले पेट भरे को अनाज दिया जा रहा है जो सड़क बनी हुई है उसी सड़क के ऊपर मेटेरियल डाला जा रहा है यह बर्दाश्त ऐसी बाहर है ग्रामीण यहाँ तक कहते हैं की वार्ड पचास और वार्ड इक्यावन के पार्षद फोन तक नहीं उठा रहे बहाल खबर लिखे जाने तक कोई पुलिस पदाधिकारी या प्रतिनिधि सड़क निर्माण कराने वाले इंजीनियर घटना स्थल नहीं पहुँचे सड़क निर्माण कार्य को आक्रोशित ग्रामीणों ने रोक दिया है और जमकर कर प्रदर्शन कर रहे हैं है। उसका ऊपर हैं यहाँ का इंजीनियर इंजीनियर से बात हुई थी बात नहीं हुए किया हुआ कुतुबगंज कोलिडर दो वार्ड में आता है पचास और एक दोनों पार्षद कोई नहीं आता कभी भी खाली बस आता है बहुत चल जाता है बनेगा बनेगा जब बोर्ड का आता है इस बार पास हो जाएगा पास हो जाएगा नहीं कभी ध्यान नहीं देता है दोनों पार्षद दोने दोने से कोई ध्यान तो नहीं दे लोग पैसा खा करके आ, देता। तो आज, आज आज आप लोग क्या किए रोड जाम किए आज रोड जाम किए उधर ज्यादा दिक्कत है इधर रोड बना हुआ है देखिए फिर भी बना रहे तो ये विरोध कब तक रहेगा विरोध जब तक उधर का काम चालू न होगा विरोध रहेगा ना तो पचास का वार्ड आते हैं ना तो हम लोग सब दिन किचड़े में बोल रहे हैं ऐसे किचड़े देख रहे हैं रोड का हो हो गया था ना। आ, हो गया था था ना? नोपी भी उठा करके ले गए वही नोपी उठा करके इधर बना रहे मतलब वो रोड छोड़ कर पार्षद का क्या रोक पार्षद का क्या है ढंग ऐसी कौन वार्ड है ये पचास है दोनों क्या नाम हो, पा? पास हो मामला यही है कि हम लोग आने जाने में बहुत परेशानी होती है इसके पहले हमने वसुंधरा लाल जी आई थी जीतने के लिए उन्होंने कहा कि हम साल भर के अंदर रोड रोड बना देंगे आप लोग का आप लोग हमको जिताइए लेकिन वसुंधरा लाल आज तक देखने नहीं आए अच्छा रोड आ, का, आ, का जो टेंडर जो रोड का जो टेंडर है कहाँ से कहाँ तक का टेंडर है कन्वर्ट कर दिया गया मतलब टेंडर आपका रोड कोयली रोड से है लेकिन बना रहा है अब ये लोग को लोग लोग जबकि बना हुआ पायलट है, है। यहाँ का इंजीनियर से बात बातचीत हुई नहीं आ रहा सुनने के नहीं करते नहीं आते हैं क्या बात है क्या मामला यही है कि कोयली रोड में पास होना था ये टेंडर और इसको सुर लोग कॉलोनी के तरफ मोड़ दिया गया और बताया जा रहा है कि कोयली खुटाहा रोड यही है जबकि ऑल पूर्वज के तरफ से कोयली खुटाहा रोड ये सीधे जाके आगे से मुड़ता है जिसका हम लोग ने कुछ विरोध किया पार्षद को भी कुछ लोगों ने नंबर से फोन किया लेकिन दोनों पार्षद नहीं आए पचास के और इक्यावन आगे क्या सोचे है आगे यही सोचते हैं कि हमारा रोड का फोटो देख लिया जाए कि किस तरह से बाधित है बच्चे गिर रहे हैं बच्चे को जाने आने के लिए नाली के ऊपर से चढ़ के जा रहा है लेकिन इस पर कोई सुझाव दो साल से हम लोग परेशान हैं पेन इंडिया वाले जो रोड चलने वाले भी थे उसको भी कबाड़ दिया गया जिसका रोज दो चार आदमी गिर रहा है जिसे हाँ एम्बुलेंस की भी सुविधा नहीं आ पा रही है जिसके कारण हम लोग यहीं से उतर के पैदल मार्ग से हम लोग किसी तरह वहाँ तक घर तक जाते हैं चलो हमारा नाम सुरेंद्र कुमार मोदी अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान तो चिंता छोड़िए क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक ऑडियोलॉजी स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में भागलपुर मोबाइल सेवन जीरो फाइव जीरो वन नाइन डबल थ्री फोर वन हमारी दो और भी शाखाएं हैं पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स बिहार टॉकीज रोड लाइन बाजार पूर्णिया और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में ए बी मेडिकल के समीप नमस्कार मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह शिशु रोग विशेषज्ञ बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम शोषण मशीन यहाँ आया ब्लड गैस एनलाइजर आया और एक नया मशीन क्रिटिकूल जो देर से देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें तीन डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और तीन दिन के लिए रखा जाता है लेकिन वो छः घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है तो आप इसका लाभ उठाएं और दूसरी बात जो आयुष्मान योजना है उसके तहत पाँच लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है उसको ले सकते हैं ध्यान रहे कि पाँच साल के कमर के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से जरूरत नहीं है यदि आपके माता पिता ये का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकते हैं और आप इसका लाभ उठा सकते हैं धन्यवाद भागलपुर जिला अंतर्गत सनहौला थाना क्षेत्र में इन दिनों बाइक चोर ने आतंक मचा रखा है शाम ढलते ही बाइक चोर सक्रिय हो जाते हैं और आंख बंद डिब्बा गोल बाली कहावत चरितार्थ हो जाती है लगातार सनहौला बाजार से बाइक गायब हो रही है और सनहौला पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है ताजा मामला इटवा गाँव निवासी मनोज यादव के साथ बीती भी बीते संध्या मनोज यादव सब्जी खरीदने सनहौला बाजार आए थे तभी उनकी बाइक उचक्को ने गायब कर दी बाइक की चाभी पीड़ित के हाथ में ही रह गया और लॉक किया हुआ ही बाइक गायब हो गया हालांकि सीसीटीवी फुटेज में सफेद रंग के कपड़े में उचक्के की तस्वीर कैद हो चुकी है लेकिन अभी तक बाइक का पता नहीं चल पाया है वहीं सनहोला थाना अध्यक्ष चंदन कुमार ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है जल्द ही चोर का पता चल जाएगा अब देखना दिलचस्प होगा की सनहोला पुलिस बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश कर पाती है या नहीं क्या क्या हुआ है गाड़ी चोरी हो गया गाड़ी चोरी हो गया है जी कहा से चोरी हुआ था इसी जगह से है। इसी जगह से हुआ था क्या करने आए थे आप सब्जी लेने के के लिए आए आए थे थे कौन कितना बजे गाड़ी चोरी साढ़े सात बजे साढ़े सात बजे आप लगाए थे गाड़ी जी और सब्जी लेके कितना बजे आये तुरंत आया तुरंत आया गाड़ी नहीं तुरंत आया और सबसे दुकानदार से पूछ रहे हैं कि जगह गाड़ी लगाए थे तो देखिए और किधर लगाए होंगे वही देखने में हमको थोड़ा विलम्ब हो रहा है गाड़ी नहीं गाड़ी मिल रहा गाड़ी मिलवे मिलेगा कहाँ से जब चोरी हो गया तो मिलेगा कहाँ हुआ इटवा हुआ इटवा कौन थाना पड़ता है थाना पड़ता है वहाँ सब्जी लेने के लिए आए थे यहाँ सब्जी लेने के लिए आए क्या नाम है आपका मनोज यादव गाड़ी किसके नाम से है गाड़ी मेरे नाम से आप ही के नाम से, गाड़ी से है गाड़ी नंबर कितना है जीरो आठ सौ छियानवे पूरा नंबर बताइए क्या है पूरा गाड़ी नंबर बी आर गाड़ी नंबर गाड़ी नंबर हुआ जीरोनबे जीरो आठ सौ छियानबे गाड़ी नंबर आप ही के नाम से गाड़ी है जी मेरे नाम गाड़ी कहाँ से लिए थे गाड़ी कटिहार में कसा है गाड़ी कटिहार में करता है तब भी हैंडी लॉक चाबी मेरे आते में चाबी गया हाथ में आपका गाड़ी गायब हो गया गाली गाली। क्या सनोला मार्केट दोबारा आना चाहेंगे फिर कैसे आएंगे दोबारा आना चाहेंगे मार्केट। आएंगे तो आने मार्केट करेंगे। मतलब समझ जाइए कि शाम के अंधेरे में गाड़ी आपका गायब हो गया वही ना चेहरे तब भी आपका मुस्कान है गाड़ी चोरी होने के बाद क्या बात है कौन के क्या करेंगे कानून पे विश्वास नहीं है की आपका गाड़ी मिल जाएगा वो तो नहीं हो रहा है विश्वास न हो रहा है अभी लिखित देंगे थाना में देंगे देंगे ना अभी तुरंत तुरंत विश्वास है ना कि आपका कानून के हिसाब से गाड़ी, गाड़ी मिल जाएगा और कितना मिला भी है मिला भी है ना आ, विश्वास है आपको भागलपुर जिला पुलिस पे की गाड़ी मिल जाएगा मिल जाएगा गोराडी बताया आपका घर हाँ गौराडी थाना घर घर पंचायत पड़ता है आपका भागलपुर में वाटर वर्क्स यूनियन के बैनर तले गुरुवार को नगर निगम परिसर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया जिसमें दर्जनों की संख्या में दैनिक कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध जाहिर किया मानदेय पूरी नाम मिलने के कारण तमाम प्रदर्शनकारी आक्रोशित दिखे जहां उन्होंने सरकार और निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की प्रदर्शन के दौरान उन्होंने बताया कि वे लोग वाटर वर्क्स में पिछले पंद्रह वर्षों से सेवा दे रहे हैं लेकिन उचित मानदेय नहीं मिल पाने के कारण वे लोग काफी समस्याओं से जूझ रहे हैं उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश पर सातवें वेतन की मंजूरी दी गई थी लेकिन फर्जी तरीके से उसे निरस्त करने के लिए उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है पैसे की कमी कारण इस महंगाई में परिवार चलाना काफी चुनौती हो गया है प्रदर्शन कर तमाम दैनिक कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें अस्थायी किया जाए साथ ही सातवा वेतन जल्द से जल्द लागू किया जाए वहीं उन लोगों ने कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे हम विरोध करें दैनिक कर्मचारी को अस्थायी करें पच्चीस लेटर संख्या को निरस्त करें सातवा वेतन पुनः लागू करें ये हमारी मांग है और हाई कोर्ट का जो आदेश है उसे लागू किया जाए आज क्या कर रहे हैं आप हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के विरुद्ध सरकार के विरुद्ध हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और हाई कोर्ट के सम्मान में हम लोग हड़ताल स्थगित किए थे उन्हीं के के आदेश से अनुकंपा बहाली वेतन लागू भी हुआ था फिर उनको फर्जी प्रमाण द्वारा रद्द किया गया है हम लोग जो है जितना भी कर्मचारी हैं अभी हम लोग सारे दैनिक वेतन भोगी में कार्य करते आ रहे हैं दस से दस से पंद्रह साल लगभग हो चुका है हम लोग अल्प वेतन में पूरे परिवार की भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं इसलिए सरकार से आग्रह है कि हम लोगों को अस्थाई करें अविलंब और पच्चीस सौ तीन लेटर संख्या दिनांक तीन पाँच दो हज़ार अच्छा, अठारह का जो लेटर जारी किए हैं उसको निरस्त करें भारतीय सेना के बहादुर और दिलेर जवानों के बलिदान और 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान पर भारतीय सशस्त्र बलों के जीत के सम्मान में हर वर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है कारगिल युद्ध में असाधारण वीरता दिखाने वाले कैप्टन निर्भय कुमार सिंह ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे लेकिन इस दौरान वो वीर गति को प्राप्त हो गए वही कारगिल विजय दिवस के अवसर आरोप भागलपुर के सेंडिस कम्पाउंड में भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर ऐसी विशाल मसाल जुलूस एवं तिरंगा यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें सैकड़ों युवा शामिल हुए और भारत माता की जय वीर जवान अमर रहे के नारों से पूरा वातावरण गूंजता रहा कारगिल युद्ध भारत के लिए एक यादगार जीत थी यह युद्ध दुनिया की सबसे कठिन ऊंचाई वाले युद्धों में से एक था जनरल बीपी मलिक के नेतृत्व में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ बाहर किया था यह जीत भारतीय सेना की वीरता और साहस का प्रतीक है मेजर जनरल सचिन मलिक के आठ माउंटेन डिवीजन की कमान संभालने ऐसी इस डिवीजन का गौरव और बढ़ गया पिता और पुत्र दोनों का इस डिवीजन ऐसी गहरा नाता रहा है कारगिल युद्ध मई और जुलाई उन्नीस के बीच लड़ा गया था पाकिस्तान के घुसपैठियों ने एल के भारत हिस्से पर कब्जा कर लिया था भारतीय सेना और वायु सेना ने बहादुरी से उनका मुकाबला किया और कई सामरिक चौकियों पर फिर से कब्जा कर लिया इससे घुसपैठियों को बाकी चौकियों से पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा था कारगिल विजय दिवस के जो पच्चीसवा वर्षगांठ है उसी के अवसर पर हम लोग यहाँ पर भारी संख्या में तिरंगा यात्रा एवं मसाल जो जुलूस का यात्रा होता है उसको निकाल रहे हैं ये जो विशाल का तिरंगा यात्रा आप देख रहे हैं ये जो विशाल का तिरंगा यात्रा इसका नेतृत्व हमारे सोलंकी डिफेंस एकेडमी के होनहार छात्र एवं छात्राएं जितने भी लोग हैं सभी लोग कर रहे हैं विशेष धन्यवाद रंजीत सिंह सोलंकी जी का जिन्होंने इस कार्यक्रम को स... तिलका मानझी विशाल मेगा मार्ग के पास से और यह शहीद कैप्टन निर्भय कुमार सिंह आकाशवाणी स्थित आवास पर यह जाकर पुष्पांजलि श्रद्धांजलि अर्पित होकर शहीदों का सम्मान करके इस कार्यक्रम को समाप्त की सुल्तानगंज के कमरगंज पंचायत में रेलवे विभाग द्वारा मंजिली बांध कट गया जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया ग्रामीणों ने कहा कि मंजिली बांध कटने से लाखों घर बाढ़ की चपेट में आ जाएंगे रेल विभाग द्वारा मंझली बांध कटने के लिए जेसीबी से आने पर रोका गया जिसके बाद मुखिया भरत कुमार को सूचना दी गयी मुखिया भरत कुमार ने बी विधायक सांसद को सूचना दी और विभाग के अधिकारियों ऐसी बातचीत कर तत्काल काम आरोप रोक लगा दिया है अगर रेल विभाग द्वारा मंजिली बांध काटा गया है तो लाखों घर बाढ़ की चपेट में आने की बात जा रही है वही वीडियो संजीव कुमार ने ग्रामीणों के साथ स्थल का निरीक्षण करते हुए कहा की रेल विभाग के अधिकारियों एवं इंजीनियर ऐसी बातचीत कर फ्लाईओवर ब्रिज बनाने की बात कही जाएगी अभी जैसे जानकारी पूरी तत्काल उसको काम को रोकने के लिए निर्देश दिया गया तत्काल काम रुकेंगे और अभी रेलवे से जो इंजीनियर साहब आए हैं जो संवेदक हैं उनको बुलाएंगे उससे बातचीत करेंगे कि किस कारण से ये किया जा रहा है ये बांध है और दोनों साइड से पाँच पाँच पंचायतें ये प्रभावित हो सकते हैं चूँकि ये एरिया फ्लडेड एरिया है और पानी का स्तर बढ़ने पे लोग काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है ऐसी परिस्थिति में हम लोग इन लोगों का डिमांड है कि एक रेलवे से जो रेलवे जो लाइन है उसके ऊपर एक पुलिया का निर्माण हो जाए इसके बारे में अभी हम लोग फ्लड कंट्रोल और जो इंजीनियर रेलवे के इंजीनियर इन लोग से वार्ता करने के बाद जो इससे जो नियम संगत कार्रवाई होगी वो हम लोग करेंगे